क्या नरेंद्र मोदी की वजह से बॉलीवुड में बंटवारा हो गया है? सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त वहां पर हो रही है। ऊपर एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म का पालन करने वाला जिसकी निष्ठा है केवल जनसमुदाय, जनसमुदायों के सुख और उन सुखों की व्यवस्था कैसी की जाए, और यही इस नेता का धर्म है, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और मुझे लगता है कि इस पिक्युलर सेक्युलरवाद की जो बातें करके लोगों को बांटा है, भाषावाद, प्रांतवाद, सारे वादों के लेकर जिस तरह से बांटा हुआ है इस देश को, और इस देश को अगर कोई सक्षम नेतृत्व यदि है आज की तारीख में, तो वो है नरेंद्र मोदी। और वो इस देश की जो छवि है वो सारे विश्व के सामने ऐसी सशक्त करके दिखाएगा, ऐसा मुझे संपूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं देश की सारी जनता को अपील करता हूं कि इस बार ऐसा ही सक्षम नेतृत्व हमें चाहिए, ऐसा बैकबोन चाहिए कि इस देश पर वक्र दृष्टि करके कोई भी आंख हमें देख न सके। थैंक यू, धन्यवाद। China, I'm going to take 2 minutes, not 30 seconds. It's not possible to express myself. मैं अपने कुछ अनुभव आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी कंपनी है जो बहुत बड़ा काम करने की इच्छा रखती है और बल भी है। हम हमारे भारत के जो संगीत को पूरे जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में, और इसी संदर्भ में हम कम से कम 65 ऐसे छोटे बड़े शहरों में काम करने का मौका मिलता है, लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, अनुभव इकट्ठा होते हैं। जब भी हम पूरे देश में घूमते हैं तो जब भारतीय शास्त्रीय संगीत हो या बाकी भारतीय संगीत का जब माहौल होता है तो बहुत सारे लोग सामने आते हैं, हेल्प करने आते हैं। लेकिन हम हमारी जो एक हमेशा से हमने सरकार को ये कहा है कि जो सारे जो लाइसेंसेस हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं उसके अनुभव क्या है, गुड गवर्नेंस है क्या? पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, कहने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इंटेलिजेंट आप महसूस करते हैं अपने आप को। गुड गवर्नेंस इज अबाउट प्रैक्टिसिंग। आप चाहिए एक महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आपको एक परमिशन चाहिए होगा क्लासिकल म्यूजिक के लिए, आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। हाल ही में पुणे में किया, 4 क्लासिकल वोकलिस्ट के साथ मुझे लास्ट में अजीत पवार जी को फोन करना पड़ा कि प्लीज मुझे जरा हेल्प करिए, ये बहुत तकलीफ है। आप गुजरात में जाइए, गुजरात में आपको 1 विंडो ऑल लाइसेंसेस मिलते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सबमिट करिए, आपको बोलेंगे 3 बजे आइए, आपकी ये आपका ये पूरे लाइसेंस है आपको। लेकिन उनके लॉज के अगेंस्ट आपको बाकी के सारे मुद्दों पे आपको यू हैव टू अवॉइड बाय, कहेंगे 4,500 लोग हैं तो उनको कहेंगे कि आप 9:45 खत्म करिए, हमारी तरफ से फायर एम्बुलेंस रहेगा, ये रहेगा, वो सारे गवर्नमेंट सपोर्ट करता है इस चीज को। तो ये जो सपोर्ट है ये छोटी चीज है, ये सिक्योरिटी की चीजें हैं, ये बल्कि मैं कहती हूँ कि एक केयरिंग है कि लोगों के प्रति जो फायर का है या जो एम्बुलेंस है गवर्नमेंट की तरफ से खड़े रहेंगे, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ये उनकी तरफ से एक व्यवस्था है जो एक बिल्कुल एक मेरे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो। दूसरी चीज, हमने अहमदाबाद में एक शो किया जहाँ पे 8,500 लोग थे क्लासिकल म्यूजिक के लिए, वहाँ पे मंत्री आए थे, सांस्कृतिक मंत्री। आप अक्सर देखेंगे कि कोई राज्यपाल आते हैं या मंत्री आते हैं। तो मोदी के पक्ष में बात रखी जा रही है, मोदी के विपक्ष में बात रखी जा रही है, मोदी का समर्थन किस तरह से ये नामचीन हस्तियां कर रही हैं वो आप सुन रहे हैं। दुर्गा जसराज जाना माना नाम है जो ये बता रही हैं गुड गवर्नेंस कितना ज़रूरी है। सिर्फ ये एक नाम नहीं है, जब वो गुजरात में गई उन्होंने देखा कि छोटे से भी कॉन्सर्न को अरेंज करने के लिए उन्हें एक सिंगल विंडो के जरिए अपना काम पूरा हो सकता है, किसी की मदद की, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, और वो ये चाहती हैं कि ये व्यवस्था देश में लागू हो। अगर मोदी सत्ता में आते हैं, मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये संभव हो जाएगा। नाम के समय 3 बार
आंधी है और एक सक्षम आंधी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। इस समय अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, पूरे यूरोप में बोलते हैं, हम इंडिया में बोलते हैं। खाना पीना भी किसी राष्ट्र की धरोहर नहीं है, संस्कृति। और संस्कृति का जो बहुत बड़ा एक अहम भाग है वो है हमारे देश का संगीत। और अगर इस देश को अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं है तो ऐसी सरकार को मैं अपना वोट नहीं दूंगी।